बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती ने स्कूल में सभी की नाक में दम कर रखा है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में SDM ने बताया कि युवती के खिलाफ पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं, जिस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। पढ़ रहे थे, राधा मैडम भी आई, बोली कि तुम पढ़ो, हम बोले कि राधा मैडम भी अभी नहीं पढ़ेंगे, आज रिक्त हो गई है, तो वो मारने लगी हमको शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये आज मारपीट हुई है। हाँ, क्या है पूरी बात? पूरी बात ये है कि वो मतलब हाफ टाइम था, इसलिए राधा दीदी बोले थी पढ़िए पढ़िए, लेकिन वो बोला क्या कौन है वहाँ एक जैसवाल है मार्केट की, वो जबरदस्ती आती है स्कूल में, मैम को भी मारते हैं सर को। 1:25 PM पर राधा नाम की लड़की जो है क्लास 8 में आकर के 3 बच्चों को मारना शुरू किया, उनके कई स्थानों पर, उनके सिर पर, उनके मतलब गाल पर। ये पहली बार नहीं है, हमेशा करती है, पर डे करती है। हम जब से 2018 से यहाँ पर आए हैं, तब से अनवरत अतिक्रमण करके बिल्कुल जाती है, लड़कों से मारपीट करती है, दांत काटती है। मैं पदस्थ हूँ, मैं 2 बार यहाँ आया, विद्यालय में जब आने का हमको आवश्यकता पड़ी तो यहीं पर विद्यालय के परिसर के अंदर ही वो बल्कि ये बताई कि उसका वेतन नहीं दिया जाता।